अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जानब से जो है एडवर्टाइजमेंट पब्लिश की गई है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 21/2023। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि न्यू जो अपडेट्स हैं उसके आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो इसमें दोस्तों आप सबसे पहले देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। नंबर वन पे आप देख सकते हैं कि दोस्तों ये वासा है, मुल्तान का जो है हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है साउथ पंजाब का। इसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर जॉब्स आई हैं। नंबर वन पे आप देख सकते हैं कि चार पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर की, उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग है SDO, उसके बाद है सब इंजीनियर सिविल है। इसमें जिन्होंने DE वगैरह किया हुआ है, बैचलर किया हुआ है, तो वो लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी, आप इसको मज़ीद जो है थॉरली इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नंबर टू पर आप देख सकते हैं कि पंजाब पुलिस है स्पेशल ब्रांच में पोस्ट आई है, सोलवें स्केल की डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन है इसकी एक पोस्ट है। इसमें जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है कंप्यूटर साइंस IT में वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप एक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड है, इसमें 18वें स्केल की जो पोस्ट है असिस्टेंट चीफ की है डिप्टी डायरेक्टर, इसकी जो है 12 पोस्ट है टोटल। इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर है 3 साल का। उसके बाद पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट, दोस्तों सबसे बड़ी जो है भर्ती का ऐलान किया गया है PPSC की जानब से, पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानब से। इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा 23 पोस्ट, सबसे पहले उन्होंने मैथ के टीचर उन्होंने मांगे हैं, बेसिक स्केल जो है 16वां है, और इसके जो है टोटल 23 जो है पोस्ट है। जितने भी लोग जिन्होंने BA मास्टर्स किया हुआ है मैथमेटिक्स में वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों पर्सनल असिस्टेंट है 16वें स्केल की, इसकी 4 पोस्ट हैं। साइकोलॉजिस्ट है 17 स्केल के, इसके भी 50 पोस्ट हैं। दोस्तों जिन्होंने साइकोलॉजी में किया हुआ है इनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, 50 असामियाँ हैं साइकोलॉजिस्ट की, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर है, फिजिकली हैंडी कैप जो होते हैं इनकी 25 पोस्ट हैं। उसके बाद जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर है HI फील्ड की, इसकी 110 फील्ड है। उसके बाद जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर है मेंटली जो चैलेंज फील्ड होता है उसके लिए इसकी 158 पोस्ट है। तो स्पेशल स्कूल में जो है ये बहुत ही अच्छा मौका दिया गया है PPSC की जानब से जो है स्पेशल जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। उसके बाद दोस्तों ये जो आप देख सकते हैं कि इसका जो अगला पेज है उस पर आप देख सकते हैं जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर है जो विजुअली इम्पेयर्ड फील्ड होता है, उसकी 50 पोस्ट हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी जो असामी है एजुकेटर की असामी है, 30 पोस्ट इसकी दी है। जिन्होंने MA BS वगैरह किया हुआ है वो लोग जो है स्पेशल एजुकेशन में वो जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों स्पेशलाइज हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इसमें जो है रेगुलर बेसिस के ऊपर जो है परमानेंट सीट्स दी गई हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर प्लास्टिक सर्जरी, असिस्टेंट प्रोफेसर है कार्डियोलॉजी का, हेमाटोलॉजी का, उसके बाद जो है पेराडिक्स का है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है रेगुलर बेसिस के ऊपर परमानेंट पोस्ट है, इसके लिए भी जिन्होंने MBBS वगैरह किया वो अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अप्लाई करने का तरीका ये है कि आपने जो है इसकी PPSC की वेबसाइट है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसने जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसके ऑनलाइन अप्लाई की जो है 6 नवंबर 2023 जो है इसकी लास्ट डेट है। मजीद अपडेट्स के लिए अगर कोई भी अपडेट आपको चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में जो है आप मुझसे अगर क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। मेरा फेसबुक और व्हाट्सअप ग्रुप है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।